एक कप बेसन और चाल करा के पकोड़े। किचन 1 2 3 में बन रहे हैं आज 4 किस्म के पकौड़े। तो उसके लिए सबसे पहले बैटर तैयार करते हैं और इसको छलनी से बेसन को छानेंगे ताकि इजीली मिक्स हो सके। 1 कप बेसन मुझे ऐड करना है छलनी में, थोड़ा थोड़ा करके ही छलनी में ऐड करती जाती हूँ। जैसे ये देखें, आधा कप मैदा, एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच खटाई पाउडर। इसमें भी मुझे इस तरह से गुठलियां सी नजर आई थी तो इसको भी मैंने छलनी से छान लिया है। पहले स्पून से इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बैटर प्रिपेयर करते हैं। ये जर्दे का रंग है, येलो फूड कलर। अच्छे शेड के लिए आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, दो इसके नाम है, ये ऐड कर देते हैं। अभी बैटर काफ़ी थिक है, इसको हमें पतला करना है। पानी ऐड करती हूँ। अब इस मिक्सचर का अच्छा सा येलो शेड आ गया है। इतना थिक बैटर हमने बनाया है, ज़्यादा इसको पतला नहीं किया। और अब इसको आधा घंटा कवर करके साइड पे रख देते हैं और इतनी देर में जिन वेजिटेबल्स के पकौड़े बनाने हैं उनको काट लेते हैं। बैटर को कवर करके आधे घंटे के लिए साइड पे रख देते हैं। बड़े साइज़ की हरी मिर्चें मैंने ली हुई हैं और इनमें तेज़ी कम है और इसके दरमियान कट लगा के इसके बीज निकाल देते हैं ताकि इसकी तेज़ी कम हो जाए। अगर आप तेज़ मिर्च खाते हैं तो बीज के समेत भी आप इसको इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं पकौड़े के तौर पे। अब छुरी की मदद से इसके बीजों को हमने निकालना है। ये देखें, इस हरी मिर्च के ज़्यादातर बीज निकल गए हैं, कोई एक आधा ही रह गया है। इसी तरह से दूसरी हरी मिर्च के बीज भी निकाल लेती हूँ। ये एक हार्ड बॉइल्ड एग मेरे पास है, सख्त उबला हुआ अंडा, तो इसके भी इस तरह से टुकड़े काट लेते हैं। इसको भी बेसन के मिक्सचर में डिप करके पकौड़े बनेंगे। मीडियम फ्लेम पर कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है डीप फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हरी मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए इस बैटर के अंदर डिप करते हैं। हर तरह से इसको कवर्ड करेंगे, कहीं से भी खाली नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऑयल के अंदर जाके ये फट सकती है। तो कम्प्लीटली इसको कवर कर रही हूँ और बड़ी एहतियात के साथ हरी मिर्च को डालेंगे ऑयल के अंदर। एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूं। अ
अंडे के एक पीस को इसी तरह से कोट कर देते हैं बेसन से। अब ऐड कर रही हूँ बेसन के अंदर 1 चाय का चम्मच जीरा, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, मैटर को थोड़ा सा बदला करते हैं। इस आलू का छिलका उतार के बारीक बारीक से इस तरह लंबाई के रूप में इसके पीसेस काटती हूँ। इसके भी बारीक कतले काटते हैं। ये देखें इतनी मोटाई है। बैगन को काटते ही फौरन से बेसन मिर्च के मिक्सर के अंदर डिप कर दें, क्योंकि फौरन डार्क होना शुरू हो जाते हैं। बैगन के सारे टुकड़े मैं एक ही दफा बेसन के अंदर डाल रही हूँ, बैटर के अंदर ये डिप हो जाएंगे तो डार्क नहीं होंगे। इस तरह और एक एक करके फिर गरम ऑयल के अंदर डालते हैं। सारे आलू के पीसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, एक एक करके ऑयल के अंदर इसको डालते जाते हैं। किचन 1-2-3 में गर्मा गर्म पकौड़े तो बन गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी कम हो गए हैं। किचन 1-2-3 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियोस देखते रहें और बनाते रहें। बन रहा है चिकन बोटी कटलेट्स। उसके लिए 1 कप दूध मैंने लिया हुआ है। कटलेट्स बनाने में दूध का क्या काम है, इसी से तो रेसिपी क्रिस्पी और मजेदार बनेगी। तो इसमें मैं 1 अदद लेमन लेके उसके हाफ पीस को निचोड़ने वाली हूँ, ताकि कर्डल हो जाए। हाय हाय, बर्बाद करने के तरीके देखो, दूध विच लिम्बू पा दिता। इसको एक साइड पे रख देती हूँ। ओहो, मैं तो बताना भूल गई थी, ये दूध जो है इसको मैंने गरम किया हुआ है, नीम गरम ये दूध है जिसके अंदर मैंने ये लेमन को ऐड किया है। अगर आप ठंडे दूध में लेमन ऐड करेंगे तो फिर इस तरह से कर्डल ये नहीं हो पाएगा। इसको साइड पे रखते हैं। ये आधा किलो चिकन आपको बहुत ही बर्बाद नजर आ रहा है, लेकिन इसकी हड्डियां मैंने अलहदा कर दी हैं और इसको भी छोटी छोटी बोटियों की सूरत में छुरी से मैं काट लेती हूँ। एक आपको काट के दिखाती हूँ। लंबाई के रूप पहले टुकड़े काट रही हूं। इस तरह के आपने टुकड़े काटने। दूध से ये बटर मिल्क बन गया है। 20 मिनट में ही इसको इस प्याले के अंदर शिफ्ट करती हूँ। एक अंडा ऐड कर रही हूँ।
एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, ये अनियन पाउडर मैं डालने लगी हूँ उसमें, एक चाय का चम्मच। ये प्याज को ड्राई करके पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और अब मैं गार्लिक पाउडर ऐड करने लगी हूँ, आधा चाय का चम्मच है। लहसुन को खुश करके पाउडर बनाया हुआ है। पहले ये जो लिक्विड चीज़ें हैं इसके अंदर पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। चिकन को भी इस बोल के अंदर ऐड कर देती हूँ। इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने बनाई हैं, इतनी छोटी छोटी बोटियाँ। ये एक कप मैदा मेरे पास है, पहले आधा कप मैं ऐड करती हूँ। अभी ये मिक्सर काफी पतला है, इसके अंदर बाकी का हाफ कप मैदा भी ऐड कर देते हैं। दो खाने के चम्मच मैदे के मैं मजीद इसमें ऐड कर रही हूँ, तो एक कप और दो खाने के चम्मच मैदा मैंने टोटली इसमें यूज किया है। जैसे अब ये स्टेबल सा मिक्सचर बन गया है और इसके कटलेट बनाने इजी रहेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें कि मैदा किसी एक जगह पे रह ना जाए और फिर आपके मुंह में। पैन में पहले 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके मजीद ऐड करते जाएंगे ताकि हम कटलेट की सही शेप बना सकें। अब आपने करना है जुगाड़ ताकि इसकी शेप सही हो जाए और कोई आपको बदसलीका ना कहे। आई शाबाश। एग्जैक्टली ये राउंड शेप नहीं बनेगी क्योंकि ये कटलेट है और इसमें हमने बोटियों का इस्तेमाल किया है। थोड़ी थोड़ी शेप ठीक आ जाए बस। दरमियानी से कम मैंने आंच रखी है, मीडियम टू लो, क्योंकि चिकन को गलाना भी है। दो टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैं इसमें मजीद ऐड कर रही हूँ। इस तरह का कलर हमें चाहिए है, ये अभी अंडर कुक्ड है। इसको भी पलट देते हैं क्योंकि इसको हमने पहले डाला था, इससे ये पहले ब्राउन हो गया है। सेंटर पे इसको कर रही हूँ ताकि हीट लगे। दोनों साइड ब्राउन हो चुकी हैं, ये देखें इस तरह से दोनों साइडों से इसको ये कलर आना चाहिए। और हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन में कच्चापन ना रह जाए और खाने वाले ये ना कहे ये क्या बना दिया। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इस तरह निकल जाए। और निकालती हूँ प्लेट में और जो बचा हुआ बैटर है उससे मजीद बनाती हूँ। कैमरे की नजर चूकी तो मैंने चक्कर देखे हैं, बड़े मजे के हैं। तो रेडी है हमारे गर्मा गर्म चिकन बोटी कटलेट्स, और इसको हेल्दी बनाने के लिए
हेलो, बारिश हो रही है, ऐसे में कीमे के समोसे बना लिए जाएं, मजा ही आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए जरा देखते हैं। एक पाव तो कीमा चाहिए, 250 ग्राम तकरीबन चिकन का कीमा है, और आधा कप के बराबर ली है मैंने प्याज। इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, प्याज की बहुत ज़्यादा मिकदार हमने इस्तेमाल नहीं करनी, बस आधा कप ही काफ़ी है। 2 चाय के चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च को लेके मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट दिया है, और ये आधा कप है हरा धनिया। और यहाँ पे दस्तरखान में मेरे पास मौजूद है ये समोसा पट्टी जो बाजार से आसानी से मिलती है। इसको मैंने लदा लदा कर लिया और कवर करके रखा है ताकि खुश्क ना हो। और ये जो मसाले हैं इस तरह से हैं, 1 चाय का चम्मच है नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा है, मोटा मोटा सा कुटा है, पाउडर नहीं बनाया, और 1 चाय का चम्मच है कुटा हुआ धनिया। और इसके अलावा ऑयल हमें चाहिए प्याज को भी पकाने के लिए, और जब हम समोसों को फ्राई करेंगे तो उसके लिए कढ़ाई में 2.5-3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल भी हमें चाहिए होगा। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने पैन में डाल लिया है, और अब इसके अंदर प्याज को कुछ देर पकाऊंगी। ऑयल हम कम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जो हमारा मिक्सर बनेगा जिसकी फिलिंग हमने समोसे के अंदर करनी है वो खुश्क सा हो, ड्राई सा हो। अगर ज़्यादा ऑयल डाल देंगे या हमारा मिक्सर जो है उसमें नमी ज़्यादा होगी तो फिर हमारे समोसे जो है वो क्रिस्प नहीं बनेंगे, सॉगी से हो जाएंगे। ऑयल चूंकि कम है इसलिए इसको लगातार हिलाना ज़रूरी है। प्याज हमारी नरम हो गई है, इसको एक मैं प्याले में निकाल लेती हूँ। ये है चिकन का कीमा, ये अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट है ये इसमें डाल देते हैं, और इसको चम्मच चला के इसका रंग बदलते हैं, और इसके अंदर मौजूद जो फालतू पानी है इसको थोड़ा सा खुश करते हैं। अब इसी के ऊपर तमाम मसाले, काली मिर्च के अलावा मैं ऐड कर देती हूँ कुटा धनिया, कुटा जीरा, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। मेरा जो कीमा है ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, अगर कीमा बहुत ज़्यादा बारीक हो तो वो इसी तरह पैन में ही थोड़ा सा हिलाते रहने से गल जाता है, लेकिन इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो थोड़ा सा मोटा कीमा होता है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, और चिकन का कीमा गलाने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा पानी दे के आप ढक्कन दें तो आसानी से गल जाता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही पानी डाल देंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा, इसलिए मैंने अभी तक पानी चिकन को गलाने के लिए ऐड नहीं किया है, और ना ही मैंने इसके अंदर कोई ऑयल डाला है, ऑयल सिर्फ प्याज में थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैं आधा कप पानी इसके अंदर डाल रही हूँ, आंच थोड़ी सी तेज़ करती हूँ, ज़रा सा उबाल आ जाए तो इसके बाद आंच को थोड़ा सा हल्का करके दरमियानी से भी कम रखूँगी आंच, और इस पर ढक्कन लगा के चिकन को गलने के लिए रख दूँगी। ये देखिए उबाल सा आ गया है, तो अब आंच को मैं कम कर देती हूँ, मीडियम से कम की है, और अब ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख देती हूँ। कीमा गलता है तो आपको दिखाती हूँ। चिकन समोसे बनाने के लिए मैंने मोटा कीमा लिया क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 7 मिनट के अंदर अंदर ही गल गया, और अब इसके अंदर काली मिर्च भी मैं ऐड कर देती हूँ। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये जो प्याज हमने नरम की थी ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, हरी और लाल मिर्चें, हरा हरा धनिया इसमें मिक्स कर रही हूँ।
कढ़ाई के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल के थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया है और 10 समोसे तैयार कर लिए हैं जिसको मैंने ऐसे कवर किया हुआ है। और इनको मैं ज़रा सा ऑयल गर्म होता है तो तलूंगी। इसके अलावा भी ये मेरे पास मिक्सर मौजूद है जिससे मज़ीद 10 वन बाइट समोसे आपके आराम से बन जाएंगे। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं कि आप फ्रीज़र के अंदर एक ट्रे के अंदर रखें, जब वो हार्ड हो जाए तो उसके बाद बेशक शॉपिंग बैग में या जिप लॉक बैग के अंदर आप रख सकते हैं और जब जी चाहे उसको निकालें। डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली तेल के अंदर डाल दें और फ्राई कर लें। तो हम ऐसा ही करते हैं कि ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर डाल देंगे तो फ़ौरन से इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। हर तरफ से अच्छी तरह सिकें। कीमे के समोसों के साथ जो सॉस बनाएंगे उसके लिए 1 खाने का चम्मच मैंने चिली गार्लिक सॉस का लिया है, ये रेड, और 2 खाने के चम्मच जो है मायोनीज का लिया है। इसको मिक्स कर देते हैं क्योंकि समोसे स्पाइसी हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हम स्पाइस का लेवल नहीं रखेंगे। मायोनीज की मिकदार ज़्यादा ली है और चिली गार्लिक सॉस की मिकदार कम ली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, प्लेटर में रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त किस्म के कीमे के समोसे। सॉस भी आपके सामने ही मैंने रेडी किया और इतने मिक्सर से आप 20 वन बाइट कीमे के समोसे आराम से बना सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं, जब जी चाहे खा लें। तो बस देर किस बात की, कीमे के समोसे बनाएं, एंजॉय करें और साथ बस एक चाय का मग होना चाहिए। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।